गाइस, घरों और ऑफिसों में फूड डिलीवरी तो आम बात है, लेकिन आप लोग ये जानकर हैरान रह जाओगे कि अब अंतरिक्ष में भी फूड डिलीवरी शुरू हो गई है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। ऊबर ईट्स ने जीरो ग्रेविटी में हवा में तैरते ऊबर ईट्स के फूड को स्पेस में डिलीवर करके इतिहास रच दिया है। दरअसल अमेरिकी कंपनी ऊबर ईट्स ने अंतरिक्ष में पहली बार खाने की डिलीवरी की है। इस डिलीवरी को जापानी अंतरिक्ष यात्री युसाकू मेजावा ने पूरा किया है। इस डिलीवरी में करीबन 8 घंटे 34 मिनट का समय लगा और 248 मील की यात्रा करने के बाद अंतरिक्ष में खाना पहुंचाया गया। गाइज, अब तो खाना भी अंतरिक्ष में पहुंच गया है। हम लोग कब पहुंचने वाले हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। गाइज, अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में एक वेटरेस को उसकी अच्छी सर्विस की बदौलत 3.5 लाख रुपए की टिप मिली, लेकिन दूसरे ही पल इसी टिप की वजह से उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। जी हाँ गाइज, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल रियान ब्राट्स नाम की एक अमेरिकी लड़की एक रेस्टोरेंट में वेटरेस का काम करती थी। इसी बीच एक अमीर शख्स रेस्टोरेंट में खाना खाने आया और उसने रियान की अच्छी सर्विस के लिए उसे 3.5 लाख रुपए की टिप दे दी। लेकिन इस टिप की खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई क्योंकि रेस्टोरेंट के मैनेजर ने उसे अपनी टिप को बाकी की वेटरेस के साथ शेयर करने को कह दिया और जब उस वेटरेस ने ऐसा नहीं किया तो मैनेजर ने उसे नौकरी से बाहर निकाल दिया। बेहद अजीबोगरीब खानपान की वजह से चीन के लोग दुनिया भर के निशाने पर रहते हैं और अब फिर से चीन के लोगों में एक नई सनक सवार हो गई है। दरअसल चीन के लोग अब अपने बच्चों को मुर्गे के खून का इंजेक्शन लगवा रहे हैं। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। चीन के लोगों का ये मानना है कि मुर्गे के खून का इंजेक्शन लगवाने से उनके बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। साथ ही इस इंजेक्शन से उनके बच्चों के शरीर में ताकत और उनकी बुद्धि का भी विकास होगा जिससे उनके बच्चे सुपर किड बन जाएंगे। गाइस, आपको क्या लगता है कि चीन का ये एक्सपेरिमेंट फिर से कोई बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, एक 49 साल की महिला ने सच्चा प्यार ना मिलने पर अपने ही 6 साल के कुत्ते के साथ शादी कर ली। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं और इसके पीछे की वजह जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल इससे पहले वो महिला लगभग 200 लोगों के साथ डेट कर चुकी थी, लेकिन हर किसी ने इस महिला को धोखा दिया। इसी वजह से उसका इंसानों पर से भरोसा बिल्कुल उठ गया और सच्चा प्यार ना मिलने के कारण उसने अपने ही कुत्ते के साथ शादी करने का फैसला किया। सच्चा प्यार पाने की तलाश में लोग क्या कुछ नहीं करते, और ऐसा ही देखने को मिला इस महिला के साथ भी। हाल ही में टेस्ला कंपनी के CEO एलोन मस्क ने अजीबोगरीब नौकरी वाले एक ट्वीट पर फायर इमोजी का यूज करके अपना रिएक्शन दिया। अब एलोन मस्क ने रिएक्शन दिया है तो कुछ खास तो हो गई। दरअसल एक इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन मनीष सेठी ने एक महिला को अजीबोगरीब नौकरी के लिए $8 पर आवर पर रखा था और उस महिला का काम यह था कि जब मनीष फेसबुक खोलते थे तो वे उन्हें थप्पड़ मारती थी जिससे मनीष अपना टाइम बर्बाद करने से बच सके। असल में मनीष वेरिएबल डिवाइस ब्रांड पावरलुक के CEO हैं और उन्होंने 2012 में बताया था कि इस प्रयोग से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी। गाइस, अमेरिका में रहने वाले कुत्ते की किस्मत खुल गई है और वो जल्द ही करोड़ों का मालिक बनने वाला है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल कुत्ते की मालकिन जिसका नाम जू एसेन है, वो प्लेबॉय मैगजीन की एक टॉप मॉडल है और वो अपनी पूरी संपत्ति अपने कुत्ते के नाम करने वाली है। मॉडल ने इसके लिए वकीलों से बात भी शुरू कर दी है, पर कुत्ता इतनी संपत्ति का क्या करेगा वो तो ऊपर वाला ही जाने। गाइस, क्या आपको भी इस कुत्ते की किस्मत से जलन हो रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते अगली वीडियो में। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ।